वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ योर सिविक्स क्लास, क्लास 7, चैप्टर 1. टुडे वी विल डिसकंटिन्यू द चैप्टर इश्यूज ऑफ इक्वेलिटी इन अदर डेमोक्रेसी. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वेलिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. द ट्रूथ इज डैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड द इशूज ऑफ इक्वेलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल. सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their life today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे. शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है. सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं. उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं. जबकि 1950 में अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था. इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानते थे. उदाहरण के लिए बस ये यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था. रोजा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as Civil Rights Movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also stated that all schools would be open of African American children and that they would no longer have to attend separate school specially set up for them. However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poor qualified teacher as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated or private school. रोजा पार्क्स 1913-2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी. 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद उस बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया. उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असामान्यता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया. 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया. इससे यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खुले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे. इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन गरीब हैं. अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे स्कूल, सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले तेज शिक्षक हैं.
जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू द मेंटेन। In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our lives in democratic India. As you read this chapter, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या आप व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। Excerpt from Article 15 of the Indian Constitution. Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 1. The state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, sex, caste, sex, place of birth or any of them. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 2. No citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to A. Access to shop, public restaurant, hotels and places of public entertainment or B. The use of well, tanks, bathing ghats, road and places of public resort maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to the use of general public. 2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि के से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। This is the end of your chapter. We will continue this chapter in next video. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।